अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब भले चंगे होंगे जी। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रिशनल पॉलिसी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि न्यूट्रिशनल पॉलिसी होती क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ कंसर्टेड एक्शंस बेस्ड ऑन गवर्नमेंटल मैंडेट। डेफिनेटली कोई भी हम लोगों ने एक्शन लेना है, कोई प्रोग्राम है हमारा, कोई प्रोजेक्ट है, देन हमें गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल चाहिए होता है। और जब तक वो अप्रूव नहीं करते, देन उसको हम लोग किसी भी कंट्री में लागू नहीं कर सकते। देन उसका मकसद क्या होगा? टू इंश्योर गुड हेल्थ इन द पॉपुलेशन, के जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी सेहत जो है उसका बेहतर बनाना, यकीनी बनाया जाए। और देन थ्रू इंफॉर्म्ड एक्सेस टू सेफ हेल्दी एंड एडिक्वेट फूड, के जो खाना खा रहे हैं वो उसकी एक तो हमारे पास सक्सेस हो कि हम लोगों को मतलब प्रॉपर खाना मिल रहा हो। ये भी हम इस तरफ नहीं जा रहे कि वो न्यूट्रिशनल फूड ही हो। जिंदा रहने के लिए पहले हमें खाना चाहिए है, ठीक है, हमारी पहले उस पर एक्सेस है। देन वो हेल्दी है, वो सेफ है और वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे डिज़ास्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से जो फूड की एक्सेसिबिलिटी है वो कम हो जाती है और अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, तो उनकी वजह से, उन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं हेल्थ के रिलेटेड, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को देखने पड़ते हैं। देन इसका जो मकसद है वो है टू इम्प्रूव द पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, के मतलब कोई भी पॉलिसी या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी इसलिए दी जाती है क्योंकि एक पॉलिसी है हम कुछ कोई ना कोई मतलब हम लोग अब जैसे कोविड आ गया था तो हम लोग मोबाइल फ़ोन्स पे एज रिंग टोन भी मतलब हमें बताया जाता है ये चीज़ें आपने ये करनी है, ब्रेस्ट कैंसर है या फिर कोई भी ऐसा इशू होता है तो उसके रिलेटेड मतलब प्रॉपर पॉपुलेशन को नॉलेज दिया जाता है। जब तक नॉलेज नहीं होगा देन तब तक तो पाकिस्तानी को हम कुछ कर नहीं सकते। देन द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये यूनिसेफ और WHO के अंडर उन्होंने ये बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव दिया था। इसके 10 स्टेप्स हैं, तो आज के वीडियो में हम इन्हीं स्टेप्स को करेंगे डिस्कस और आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी। हम लोगों ने एक रिटन, ये नहीं कि हम लोगों ने जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर कोई भी है हॉस्पिटल में नर्सिंग हैं डॉक्टर्स हैं हम उन्हें ऊपर से ये चीज़ ऐसे 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 नो वो भूल जाएंगे, उन्हें हम लोगों ने एक रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी देनी है और उसे रूटीनली कम्युनिकेट करना है हेल्थ केयर स्टाफ के साथ, कि मतलब उन्हें पता हो कि ये रिटन है, क्योंकि डेफिनेटली एक दफ़ा रीड करने से भी उनके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देन ट्रेन करना है ऑल हेल्थ केयर स्टाफ को ताकि वो जो स्किल्स हैं उन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो स्किल्स सीख लें। और डेफिनेटली ट्रेनिंग इज नेसेसरी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मॉडर्न इरा आ रहा है तो मतलब उन्हें नहीं पता होती, बट वी हैव टू ट्रेन दैम। कोई जैसे अब कतरे पिलाने वाली जाती हैं घरों में जाते हैं, देन उन्हें भी हमें ट्रेन करना है कि आप घर में जाएँ उनसे पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, अच्छा उनकी सेहत कैसी है, उन्हें देखें, और अगर उन्हें नॉलेज होगा देन वो ईजिली मतलब वो हर घर जाती हैं, उनकी एक्सेस होती है तो वो ईजिली उन्हें ट्रेन कर सकती हैं। और देन वी हैव टू नो अबाउट इन्फॉर्म ऑल प्रेगनेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। हमारे यहाँ इतना नॉलेज नहीं होता, मोस्टली ज़्यादा 70% लोग तो देहातों में रहते हैं, देन वहाँ पर कंप्लीट नॉलेज नहीं है। वी हैव टू गिव दैट नॉलेज टू द मदर्स दैट इफ हाउ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर चिल्ड्रन, उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, मदर मिल्क में क्या कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देन हर चीज़ जो है अगर जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो ट्रेंड होगा देन दे कैन ईजिली इन्फॉर्म दैट टू द प्रेगनेंट वुमेन। देन वी हैव टू नो अबाउट हेल्प मदर्स इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1.5 आवर ऑफ बर्थ। विद इन 1.5 आवर ऑफ बर्थ के बाद ही जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। देन शो मदर्स हाउ टू ब्रेस्ट फीड, उन्हें बताना चाहिए कि वो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन इवन इफ दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट्स। वी हैव टू गिव ईच एंड एवरीथिंग, वी डोंट फील लाइक दैट हमें ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, हमें ये चीज़ नहीं, यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी इज गिवन देन इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी हॉस्पिटल, हर एक जगह पर इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बेशक वो BHU है बेसिक हेल्थ यूनिट है, बेशक RHC है रूरल हेल्थ केयर सेंटर है, देन हर जगह पर उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। DHQ, THQ, एनी हॉस्पिटल, वी हैव टू इंश्योर दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड और नॉट।
देन वी हैव गिव न्यू बॉर्न इन्फेंट्स नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क. उन्हें हम लोगों ने कोई भी ऐसा खाना कोई भी ड्रिंक नहीं देनी अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, अदरवाइज वो उस पर यूज टू हो जाएंगे. मीन्स आफ्टर 6 months आपको साथ साथ थोड़ा बहुत बाद में स्टार्ट कर देना चाहिए, बट नॉट सडन. 2-3-4 months में कुछ भी नहीं देना चाहिए. बाद में मतलब उनके टेस्ट बड्स जो हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए आप उन्हें डिफरेंट चीज़ें दें, क्योंकि वो जो चीज़ें तब खाएंगे देन विद द पैसे जो बाद में आपको रोना नहीं पड़ेगा, ये खाना था, ये नहीं खाना बच्चा, दैट्स ऑल थिंग्स. क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें टेस्ट नहीं की होती, वो एक ही चीज़ खा रहे होते हैं, वो सिर्फ फ्रूट खा रहे होते हैं या कोई भी चीज़ वो वही खा रहे होते हैं, देन उनके टेस्ट बड्स भी वैसे ही हो जाते हैं. और देन वी हैव टू अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड प्रैक्टिस रूमिंग इन, मीन्स मदर और जो इनका इन्फेंट है उसे 24 hours के लिए एक ही रूम में रखना चाहिए, ताकि मदर और मीन्स फेमिलियर हो जाए एक दूसरे से. और इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, और हमें और इनकरेज करना, मोस्टली ये होता है कि कोई मदर को अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसकी वजह से, मीन्स हम लोग ये नहीं कहते कि आप ब्रेस्ट फीड करवाएं, क्योंकि वो डेफिनेटली HIV कोई एड्स है, ऐसी कोई भी डिजीज़ है, देन वो ट्रांसफ़र हो सकती है बच्चे में विद द मिल्क. सो ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जिसमें हम लोग मतलब कहते हैं कि ना आप करवाएं, आप फार्मूला मिल्क की तरफ चले जाएं या फिर अदर देन दैट, बट मोस्टली हर एक को इनक्रेज करना चाहिए. देन गिव नो आर्टिफिशियल टीट्स आर पैसिफायर्स आर सकार्डमीज आर सूदर्स, कोई भी ऐसी अदर देन मीन्स आप जैसे फीडर्स हैं और अदर डमीज यूज़ होती हैं, तो आप लोगों ने ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं देनी, क्योंकि वो उसको यूज टू हो जाएंगे देन वो ब्रेस्ट मिल्क की तरफ नहीं जाएंगे. टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स, देन फोस्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप एंड रेफर मदर्स टू देम ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स. एक ऐसा आप लोगों ने इस्टेब्लिश करना है ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप, तो इस मीन्स उसमें नर्सेज हों, हेल्थ वर्कर्स हों, डॉक्टर हों, बाद में जब मदर डिस्चार्ज होकर जा रही है वो प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट हो उसमें, और डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डाइटिशियंस का काफ़ी रोल है, तो वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट बताएं कि आपने क्या करना है अपने बच्चों को, कैसे आप लोग आप उसकी ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे आप मेंटेन करें, आपने नहीं छोड़नी. अगर आपको कोई इशू है देन यू हैव टू विजिट अस, वी विल सजेस्ट समथिंग एल्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज. सो कीप ट्यूनिंग, कीप वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.